My mother at 66, a poem by Kamala Das, reminds me a song. Tu kitni achhi hai, tu kitni pyari hai. Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma. Poem, My Mother at 66 by Kamala Das. Is a very beautiful poem by Kamala Das, an Indian English poet and a leading Malayalam author from Kerala. In her poems, she has very beautifully captured the complex subtitles of human relationship and lyrical idioms. She is a famous writer. दोस्तों, इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हम पहले देखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द पोएम इजीली. नंबर वन, स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मींस शॉर्ट फास्ट रेस, रनिंग, भागना. वैन, वैन मींस कलरलेस. डोज, अ शॉर्ट स्लाइट स्लीप. कई बार हम जब थके होते हैं तो जब हम सो जाते हैं हमें हल्की सी झोंका आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डोजिंग, डोज. एशन, लाइक एश. लाइफलेस, जिसके अंदर जान ही नहीं होती है. राख, कॉर्प्स, अ डेड बॉडी. स्पिलिंग, स्पिनिंग, टू मूव आउट, भागना. एक, पेन, दर्द, तकलीफ. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो इस पोएम में हम देखेंगे और हम इसको समझेंगे तो हमें इस पोएम को समझने में अच्छा लगेगा. वी कैन ईजिली लर्न द पोएम. ओके, हम देखते हैं. On her way back to coaching, the poet looks at her mother. Poet अपनी mother को देखती है और फिर उनको वो बहुत कमजोर महसूस करती है. She finds her mother lacking in energy and life. She was aging. उनकी health, her health is decaying. And the fear of losing her caused the poet much pain. और poet का जो दर्द है, दिल में एक दर्द भर जाता है, एक डर भर जाता है. Fear of separation from the mother, उसको बहुत तकलीफ देता है. एंड शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द पास्ट लाइफ, अबाउट द लव, द केयर ऑफ द मदर. एंड शी बिकम्स सैड बाय सीइंग द ओल्ड एज ऑफ द मदर. और उस डर को अपने मन से हटाने के लिए, इस नेगेटिव थॉट्स को, एक दिन वो अपनी मदर से दूर हो जाएगी, ये डर उसके मन में बैठ जाता है. और उसको हटाने के लिए वो बाहर देखती हैं. और बाहर जब वो देखती हैं तो she looks at the children playing, and then again she finds trees running, the young children spilling, rushing out of the homes. Young bache ghar se bahar khel rahe hain aur ped daud rahe hain. Or the face of poet's mother symbolizes frailty, dullness and inactivity. Aur chehra, mother ka chehra aisa bilkul shob mein hai, dard mein hai aur inactive hai. Aur jo bache hain, jo bache young children hain, they are symbolizing the vigor, vitality, energy. Energy ko, jest ko, joy ko show kar rahe hain. Aur mother is representing the sad, dukhi aur ek weakness ko darsha raha hai. As the late winter's moon loses its magnificence and beauty when it gets covered with fog, similarly the poet's mother has lost her youthful look, vitality and charm. अब वो देखती है अपनी मदर, जो एक यंग, व्हेन शी वाज ब्यूटीफुल, बट नाउ शी इज ओल्ड. अब वो बूढ़ी हो गई है और उनकी जितनी भी ब्यूटी है, जितनी भी सुंदरता है, वो सब खत्म हो गई है. जैसे फॉग कवर कर लेता है, है ना, सारी, जब फॉग आता है तो सारी ब्यूटी नेचर की खत्म ढक देता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है. तो यूथफुल, जो उनकी यूथफुल एक यंग एज की जो सुंदरता थी, वो अब सारी की सारी खत्म हो गई है, ढक गई है. तो वो जब अपनी मदर को इस तरह से देखती है, मदर के फेस को देखती है, लाइक ए लेट विंटर्स मून. लेट विंटर्स मून इज वेरी पेल, येलो होता है, जिसमें चमक नहीं होती, जो धुंधला होता है. और जब वो एयरपोर्ट पर अपनी मदर से विदा कर रही होती है, व्हेन शी वाज पार्टिंग, व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, द पॉइंट स्माइल्स and reassures her mother that all is well, and she tries to hide her fear of losing
उसको लगता है कि वो अपनी मदर से दूर हो जाएगी, कभी भी दूर हो सकती है, बिकॉज ओल्ड एज कभी किसी को नहीं छोड़ता, डेथ इज सर्टेन एंड श्योर फॉर एवरीवन, इसलिए। लेकिन अपने डर को वो अंदर छिपाती है और स्माइल करके अपनी मदर को विदा करती है, एंड शी इज अपसेट, बट शी रियलाइजेज दैट वेरी सून शी वुड लूज हर मदर बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज। सो दोस्तों, दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस पोएम रियलाइजेज, हमें याद दिलाती है कि कैसे हम अपने पेरेंट्स से एक दिन हमें बिछड़ना है, और उनको दूर, उनसे दूर जाने का डर, उनसे दूर जाने की जो पेन है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो हम कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर वन, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, ऐसी किस तरह का जो दर्द था वो जो पोएट फील करती है। तो आंसर है, व्हेनेवर द पोएट लुक्स एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, हर ओल्ड फैमिलियर पेन सरफेस, रियलाइजिंग दैट हर मदर वॉज एजिंग एंड वुड डाई सून। जब भी वो अपनी मदर का पीला चेहरा देखती हैं, दर्द से भरा हुआ ओल्ड चेहरा देखती हैं, तो उसको लगता है कि बहुत जल्द वो अपनी मदर से दूर चली जाएंगी, हर मदर वुड डाई सून। तो एक डर, एक मदर से दूर होने का डर उसके चेहरे पर उसको दिखाई देता है और उसको दुखी करता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, क्यों कंपेयर किया गया है मदर को लेट विंटर्स के मून से। तो आंसर, द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून एज शी इज वेरी ओल्ड एंड हर फेस इज एशन पेल एंड विदर्ड, शी लुक्स वेरी डल एंड लाइफलेस लाइक द लेट विंटर्स मून। जो मदर का चेहरा है वो इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल पीला है, डल है और लाइफलेस है, जैसे सर्दियों में, विंटर्स में चांद का होता है, चांद पीला दिखता है और बिल्कुल लाइफलेस लगता है। थर्ड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, क्यों डिस्क्राइब किया गया है यंग ट्रीज को। तो आंसर है, द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज व्हेन वी लुक एट देम फ्रॉम ए मूविंग कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप जब देखते हैं, जब हम कहीं किसी चीज पे बैठते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम, पोएट की फीलिंग क्या थी एयरपोर्ट पे और वो उनको कैसे छिपाती हैं। आंसर, The poet was full of pain and fear of being separated from her aging mother. The fear of losing her mother gripped her, but she bade her mother goodbye with a smile to give her hope of survival and meeting again. उसके चेहरे पे एक दर्द था और एक डर था कि वो अपनी मदर से बहुत जल्द सेपरेट हो जाएंगी, तो हो सकती है, और उनको छोड़ने का डर उनके चेहरे पर था, लेकिन पोएट ने स्माइल के साथ अपनी मदर को विदा किया इन द होप फॉर हर सर्वाइवल, यानी कि वो उनको दोबारा से मिलें, उनको दोबारा से देखें। तो इस आशा ने, इस उम्मीद ने, उसने उम्मीद के साथ उसने अपनी मदर को, पोएट ने गुड बाय किया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट्स स्माइल इन द पोएम, माई मदर एट 66 शो, जो पोएट की स्माइल है वो क्या शो कर रही है, क्योंकि द पोएट स्माइल जब वो मदर को विदा करती है तो वो स्माइल करती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है, द पोएट वॉज इन रियलिटी वेरी सैड, बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू शो हर फियर्स टू हर मदर, सो शी वॉज स्माइलिंग, वो इसलिए मुस्कुरा रही थी, हर स्माइल वॉज जस्ट ए फैकेट, शी हैड फियर्स ऑफ लूजिंग हर मदर सून, उसकी स्माइल एक झूठी थी, वो सही नहीं थी, सच्ची नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो अपने डर को छिपा रहे थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जैसा आपको पता है कि अभी हम MCQs हमारे कोर्स में, टेस्ट में आएंगे, तो अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में
बहुत सारे MCQs का लिंक दे देंगे, और कुछ आप जब आप डिटेल में स्टडी कर लेते हैं तो MCQ को अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप दैट व्हेन यू डू दिस पोएम, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें, आपको पूरी थीम समझ में आ जाएगी और पोएम भी समझ में आ जाएगी, और आप अच्छे से पढ़ेंगे, आई एम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर योर कमेंट्स। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमें बता सकते हैं।